माना आज के दौर में हर इंसान फिट रहना चाहता है, स्वस्थ रहना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि वो सबसे सुंदर और स्मार्ट दिखे और साथ में हेल्दी रहे। अपनी लाइफ को बेहतरीन तरीके से गुजारने के लिए वो हर प्रयास करता है। लेकिन क्या आपने अपने दिमाग पर थोड़ा ध्यान दिया? क्योंकि ये दिमाग ही है जो सारे काम कराता है। तो हमें अपने माइंड पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अपने दिमाग को तेज करने के लिए हमें कुछ प्रयत्न तो करने पड़ेंगे। चलिए आज कुछ टिप्स बताते हैं जिससे आप अपने दिमाग को तेज कर सकते हैं। जानना है जरूरी तो वेलकम टू रंग दे जिंदगी, शेयर हैप्पीनेस विद पूर्वी। ये तो बिल्कुल सच है, हमारे खान पान से, हमारे रहन सहन से हमारे माइंड पर बहुत गहरा असर पड़ता है। तो आज तो हम जो आपको बताने वाले हैं वो कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको अपनी लाइफ स्टाइल में चेंजेस लाने होंगे और कुछ चीजों को एड ऑन करना होगा ताकि आपका माइंड तेजी से वर्क करे। तो चलिए वो कौन से टिप्स हैं बताएं। दालचीनी, दालचीनी का पाउडर आपको इजीली मार्केट में मिल जाता है, उसे आप ले लीजिए एक चम्मच और उसमें शहद एड ऑन करके मिक्स करके उसे इनटेक कीजिए, बस आपका दिमाग तेजी से वर्क करेगा। तुलसी, तुलसी को भी इनटेक करना चाहिए क्योंकि अगर आप मॉर्निंग में उठ के 5-6 पत्ते तुलसी के खा लेते हैं, चबा लेते हैं, तो आपके माइंड में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छे से वर्क करता है और इसमें एंटीबायोटिक और एंटीऑक्सीडेंट तत्व पाए जाते हैं। तो इसलिए इसे जरूर और जरूर इनटेक करना चाहिए ताकि आपका दिमाग तेजी से वर्क करे। आंवला, आंवले में बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं इसलिए हमें आंवला तो जरूर और जरूर खाना चाहिए और ये बहुत सारी बीमारियों को दूर करता है। तो हमें आंवला आज से ही इंटेक करना चाहिए। लेकिन आंवला खाएं किस फॉर्म में? किसी भी फॉर्म में। आप उसे चटनी बनाकर खा सकते हैं, आप उसे पीस कर शहद में घोल के खा सकते हैं, किसी भी फॉर्म में खाइए लेकिन आंवला जरूर और जरूर इंटेक कीजिए। केसर, केसर तनाव, स्ट्रेस या फिर आपके माइंड में बहुत सारी चीजें एक साथ चलती हैं, आपको नींद नहीं आती है, आपको भूलने की प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है ना, तो केसर एक और एक बहुत अच्छा मेडिसिन माना जाता है कि अगर आप केसर को डेली रूटीन में लेते हैं ना तो ये आपकी याददाश्त को तेज करेगा और आपकी भूलने की बीमारी दूर हो जाएगी। दही, दही चूंकि ठंडी होती है और हमारी बॉडी को भी ठंडा करती है, हमें तनाव हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, बहुत सारी चीजें, तो हमें अपनी बॉडी को थोड़ा कंट्रोल में लाना है तो हमें दही जरूर खाना चाहिए। दही से हमारा माइंड शांत रहता है और हमें तनाव से दूर करता है, तो हमें दही स्टार्ट कर देनी चाहिए। हल्दी वाला दूध, हमें ना हल्दी वाला दूध जरूर पीना चाहिए और हल्दी वो नहीं जो पाउडर में पीस के आती है, हल्दी वो जो कच्ची हल्दी होती है ना उसे पीस लीजिए और उसे दूध में थोड़ा थोड़ा डालते रहिए। ये हमारे दिमाग को तेज करती है और कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों से दूर करती है, तो हल्दी वाला दूध आज से ही स्टार्ट कीजिए। ब्राह्मी, ब्राह्मी दिमाग को बहुत तेज करता है इसलिए ब्राह्मी को खाना बहुत अच्छा माना जाता है। ब्राह्मी का इंटेक कैसे करें? ब्राह्मी आधा चम्मच और एक चम्मच पानी को मिक्स कीजिए, उसे पेस्ट बनाइए और उसे खा लीजिए। ये बच्चों के लिए भी बहुत फायदेमंद है, अगर उनके लिए याददाश्त को तेज करना है तो ब्राह्मी खिलाना शुरू कर दीजिए। पहले तो हम आपको बता दें कि अपने दिमाग को तेज करने के लिए ना आपको एक तो खान पान से ठीक हो सकता है, आपका दिमाग तेज हो सकता है, और दूसरा जो होता है आपकी एक्टिविटीज, जो आप एक्टिविटीज करते हैं उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा आपके दिमाग पर पड़ता है। तो चलिए वो कौन सी एक्टिविटीज करेंगे जिससे हमारा दिमाग तेजी से वर्क करेगा। दिमागी कसरत करना बहुत जरूरी है। अगर आपने दिमागी कसरत की यानी आपने ऐसी एक्टिविटीज को इन्वॉल्व किया आपने डेली रूटीन में जो आपके दिमाग को तेज करती है, जैसे आपने गेम खेले तो ऐसे गेम खेले जैसे पजल्स वगैरह या चेस वगैरह जिसमें आपका दिमाग ज्यादा से ज्यादा यूज हो। आप जिस भी चीज को ज्यादा यूज करते हैं वो चीजें और शार्प होती हैं। जैसे अगर आपने माइंड का ज्यादा यूज किया तो आपका माइंड तेजी से वर्क करेगा, तो आपको ऐसे गेम्स जरूर खेलने चाहिए। अगर आप कोई टीवी सीरियल देखते हैं तो उससे आपका दिमाग तेज नहीं होता, लेकिन अगर आप वही कुछ ऐसे थ्रिलर टाइप का देखते हैं तो आपको जरूर और जरूर माइंड तेज होगा क्योंकि उससे आप सोचने की क्षमता को बढ़ाते हैं। तो अपने सोचने की क्षमता को बढ़ाया तभी जा सकता है जब आप उनसे कुछ सोचें, यानी उसमें कुछ अपना भी इन्वॉल्व करें, माइंड को इन्वॉल्व करें ताकि आपका माइंड तेजी से वर्क करे। आजकल तो वैसे भी ना नई नई भाषाओं का ट्रेंड चला है तो आपको भाषाओं को भी यूज करना चाहिए। अगर आप नई नई भाषाएं सीखेंगे तो आपका माइंड अच्छे से वर्क करेगा। आप नई नई भाषाएं सीखिए, मैथ्स वर्क कीजिए, इससे माइंड ज्यादा शार्प होता है। तो आपको हमेशा ऐसी चीजों में इन्वॉल्व होना चाहिए जिससे आप कुछ सीखें, नया सीखेंगे तो आपका माइंड
इतना काम करेगा। तो आपको कुछ हर दिन कुछ नया सीखना है। इस पर्पज से अगर आप भाषाएं सीखेंगे, कुछ नया सीखेंगे, तो आपका दिमाग तेजी से वर्क करेगा और उसकी एक्सरसाइज भी होती रहेगी। अच्छा, खेल कूद से लोगों को रहता है कि हम अगर खेलेंगे कूदेंगे तो हमारी बॉडी की एक्सरसाइज होगी, लेकिन नहीं, इससे केवल बॉडी की नहीं बल्कि आपके माइंड की भी प्रॉपर एक्सरसाइज होती है। तो आपको खेल कूद में भी इन्वॉल्व होना चाहिए। आपको कोई भी गेम पसंद है, आप उसमें जरूर जरूर इंटरेस्ट दिखाइए, चाहे वो बैडमिंटन हो सकता है, चाहे बैट बॉल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आप उसमें जरूर जरूर इन्वॉल्व होइए। क्राफ्टिंग या फिर आर्ट वर्क, ये कलात्मक है, लेकिन अगर आपने इसमें कुछ किया, नया नया इन्वेंशन किया, आपने कुछ नया क्राफ्ट किया, तो आपका माइंड अच्छे से वर्क करता है, आपका दिमाग तेज होता है। तो आपको ये नए चीजें जरूर जरूर प्रयास करना चाहिए, कुछ नया नया क्राफ्ट करना चाहिए, कुछ नए आर्ट्स बनाने चाहिए, इससे भी आपका दिमाग तेजी से वर्क करेगा। वैसे बता दें, मैथ्स भी आपके माइंड को तेज करता है, वो आपका बच्चा हो या आप हो। अगर आपको अपना माइंड शार्प करना है तो आज से ही मैथ्स लगाना शुरू कर दीजिए। अगर आप मैथ्स सॉल्व करेंगे ना तो आपका माइंड तेजी से वर्क करेगा, क्योंकि मैथ्स ही एक ऐसी सब्जेक्ट है जिससे माइंड से पूरा आप वर्क लेते हो। तो आपको मैथ्स जरूर करना चाहिए। आपको ना अपने माइंड से तेजी से वर्क करना है तो बस आपको योगा, एक्सरसाइज, वॉक, कुछ भी जरूर जरूर करना है आधे घंटे का। इससे आपका माइंड शार्प होगा, क्योंकि ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में मिलेगी, जिससे कि आपका माइंड का ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से वर्क करेगा। तो आपको अपने माइंड को तेज करना है तो योगा, एक्सरसाइज, वॉक, कुछ भी जरूर जरूर करें डेली रूटीन में। मेडिटेशन हमारी लाइफ में बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर हमने मेडिटेशन नहीं किया तो हम अपने दिमाग को कैसे चार्ज करेंगे। ऐसे समझिए कि अगर आपका मोबाइल है तो जब तक आप उसे चार्ज नहीं करते तो वो वर्क नहीं करता। उसी तरीके से अगर हम अपना मेडिटेशन नहीं करेंगे तो माइंड को चार्ज कैसे करेंगे। माइंड को चार्ज मेडिटेशन से ही किया जाता है, क्योंकि उससे हमें प्रॉपर एनर्जी मिलती है और हमारा माइंड शांति से वर्क कर पाता है। जब पीस मिलेगा, शांति मिलेगी और हम एनर्जेटिक होंगे, हमारा माइंड एनर्जेटिक होगा, तभी तो वो अच्छे से वर्क कर पाएगा। तो जाते जाते मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगी कि अपने माइंड को शार्प करना है ना, तो आप खान पान में और जो ये एक्टिविटीज मैंने बताई इसे जरूर जरूर शामिल करें, जिससे आपका माइंड तेजी से वर्क करे। और मैंने कुछ और चीजें बताई हैं, अगर आपको और जानना है तो उसकी डिटेल नॉलेज मैंने दूसरे वीडियो में बताया है। अगर आपने वो नहीं देखा तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जरूर जरूर देखिएगा ताकि आपका माइंड अच्छे से वर्क कर सके। तो मैं पूर्वी अब आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। जाते आते लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं मेरी वीडियोस के बारे में और जो आप जानना चाहें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि आप मेरी इस तरह की वीडियो और देख सके। तब तक के लिए चाचा बाय बाय।